नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट और डिमांड आ रहा था आरआरबी एनटीपीसी का जो भी जो करंट वैकेंसी चल रहा है दोस्तों, उस वैकेंसी में अब तक कितने कौन से जोन में कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना करके लाया हूँ। आप लोग बता दें कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर 25 से 26 तारीख के बीच में एक ऐसा एनालिसिस लेकर के आइए जिसमें हम लोग को एक एग्जैक्ट डाटा पता चल सके किस जोन में कितना रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। तो दोस्तों वही से उसी से रिगार्डिंग ये वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने पूरा जिक्र करूंगा कौन से बोर्ड में कितना रजिस्ट्रेशन अभी करंट में हो गए हैं और दोस्तों पर स्टूडेंट पे कितने पर सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, उस जोन में दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ कितना रहा था, इस वर्ष कितना सीट आया है, पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आरआरबी एनटीपीसी को लेकर लगातार क्लासेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे बता दूं कि यहां पे ग्रुप डी का भी क्लासेज जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लेने के बाद घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के मेन इन्फॉर्मेशन की ओर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा एग्जैक्ट रियल डाटा है। एक बार और बता देना चाहता हूं, बहुत से स्टूडेंट को दिमाग में डाउट रहता है कि ये रियल डाटा आता कहां से है। दोस्तों एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक बार और रिपीट किया था कि ये दोस्तों जनरली साइबर कैफे के द्वारा आता है और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी इंडिया अड्डा के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं। और कुछ रजिस्ट्रेशन मैं खुद अपने चेक करता हूं, उसके बाद एनालिसिस करेक्ट एनालिसिस लेकर के आप लोगों के सामने आता हूं। तो ध्यान रहे दोस्तों, फर्स्ट बोर्ड यहां पे देख सकते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। ध्यान रहे आरआरबी सिकंदराबाद का दोस्तों आज ही का डाटा देख सकते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 26/3। ध्यान रहे 26/3 को आज ही का डाटा है दोस्तों, 6:05 का। ध्यान रहे 6:05 में आज का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल गया है 7,32,515 रजिस्ट्रेशन हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, आरआरबी सिकंदराबाद में 7,32,515 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 26 तारीख के इवनिंग में, आज के डेट में। यहाँ का कोड स्टार्टिंग में देख सकते हैं 281 है। आज का किन्हीं को डाउट हो दोस्तों, यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है 100% रियल दिखाया जाता है। ठीक है, इसी चैनल पे 100% रियल ज्यादा दिखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, किन्हीं को डाउट हो बेशक रजिस्ट्रेशन करके तुरंत चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक रजिस्ट्रेशन आपको 100% रियल दिखाया जाएगा। यानी सिकंदराबाद जोन में अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है 7,32,515। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो वर्ष 2015 में जो एग्जाम हुआ था, तो वहां पे दोस्तों यहाँ कट ऑफ कितना गया था। लेकिन यहां से फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी आया है 3,234 वैकेंसी, यानी दोस्तों 3,234 वैकेंसी इस वर्ष सिकंदराबाद जोन में आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 7,32,515 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं आज के डेट में। और प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, वर्ष 2015 का जो वैकेंसी आया था तो जनरल वालों का कट ऑफ गया था 77.72, ओबीसी वालों की बात करते हैं 72.87, एससी वालों का गया था दोस्तों 63.73 एंड एसटी वालों का 59.13। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। जितना डाटा मिला है दोस्तों सभी 100% रियल है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जितना पॉसिबल हुआ है उतना आज लेकर के आया हूं। ध्यान रहे दोस्तों, अब बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर का। बेंगलोर बोर्ड में दोस्तों इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 2,470 वैकेंसी आया है। ध्यान रहे 2,470 वैकेंसी आया है और यहां पे अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है दोस्तों आज के डेट में 6,02,814। ध्यान रहे 6,02,814 वैकेंसी चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी बहुत से ज्यादा मात्रा में बेंगलोर जोन में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, यानी कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा टफ दिखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि लगातार यहाँ पे बहुत से इंक्रीमेंट देखने को डाटा मिल सकते हैं।
बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था। प्रीवियस कट ऑफ 64.97 जो कि दोस्तों बहुत ही कम गया था पिछली बार कट ऑफ। इसी वर्ष से यहाँ पे बहुत लोग फाइट यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, इस बस ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है दोस्तों किस बार जो है बेंगलोर जोन में कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों 57.28 गया था, एससी की बात करते हैं 30.1, एनएसटी का 29 गया हुआ था पिछली बार। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जोन है आरआरबी अहमदाबाद। ध्यान रहे आरआरबी अहमदाबाद में इस वर्ष सीट आया है 1024 सीट आया है इस वर्ष। यहां पे रजिस्ट्रेशन अभी करंट में चल रहे हैं दोस्तों 376,998। ध्यान रहे 376,998 रजिस्ट्रेशन आरआरबी अहमदाबाद में भी चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूं पर स्टूडेंट कितना फाइट हो रहा है, तो जितना रजिस्ट्रेशन अभी तक चल रहा है दोस्तों और जितना वैकेंसी इस वर्ष आया है दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका पर स्टूडेंट कितना फाइट चल रहा है जो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितना गया था। अहमदाबाद जोन में 72.86 जनरल का गया था, ओबीसी का 64.91 गया हुआ था, एससी का 57.23 गया था एंड एसटी का 48.1 गया हुआ था पिछली बार कट ऑफ गया हुआ था। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, जितना पॉसिबल हुआ है उतना सारा डाटा लेकर के आया हूं यहां पे। नेक्स्ट जोन है आरआरबी अजमेर। ध्यान रहे आरआरबी अजमेर में अभी तक करंट में जो वैकेंसी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है दोस्तों 436,776। ध्यान रहे 436,776 रजिस्ट्रेशन अभी करंट में चल रहे हैं और यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं 1773 वैकेंसी इस वर्ष आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1773 वैकेंसी आया हुआ है एंड अजमेर में प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं जनरल का 77.39 कट ऑफ गया हुआ था, क्योंकि दोस्तों पिछली बार सीट की संख्या बहुत ही कम था इसी वर्ष से कट ऑफ जो है ज्यादा गया हुआ था। ओबीसी की बात करते हैं 70.93 गया था, एससी का 62.13 एंड एसटी का 59.74 गया हुआ था। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन है दोस्तों जो कि सबसे हाईलाइटेड जोन आरआरबी इलाहाबाद। ध्यान रहे आरआरबी इलाहाबाद में दोस्तों अभी करंट में रजिस्ट्रेशन चल रहा है 10,75,874, यानी कहने का मतलब दोस्तों 10 लाख यानी 11 लाख के अप्रोक्स यहां पर रजिस्ट्रेशन आज के डेट में चल रहे हैं। 10,75,874 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद में दिखने को मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष सीट की संख्या भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा यहीं पे सीट है, इसीलिए फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहीं पे जा रहे हैं दोस्तों। 4,099 सीट यानी लगभग 4100 सीट यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद में इस वर्ष आया है। कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पे कितना गया हुआ था, 77.49 गया हुआ था जनरल का दोस्तों, ओबीसी का 70.47, एससी का 62.85 एंड एसटी का 47.02। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन है दोस्तों आरआरबी भोपाल। ध्यान रहे दोस्तों आरआरबी भोपाल की बात करते हैं, आरआरबी भोपाल में इस वर्ष वैकेंसी आया है 997 वैकेंसी यानी लगभग 1000 वैकेंसी इस वर्ष आया है दोस्तों। यहाँ पे अभी करंट में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 271,523। ध्यान रहे 271,523 रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पे करंट में चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, 72.9 प्रीवियस कट ऑफ गया हुआ था दोस्तों। ओबीसी की बात करते हैं 66.31 गया हुआ था, एससी का 58.61 एंड एसटी का 51.16 गया हुआ था प्रीवियस कट ऑफ वर्ष 2016 में, जो कि दोस्तों 15 में वैकेंसी आया था, 16 में इसका एग्जाम हुआ था, उस वक्त भी देख सकते हैं कट ऑफ अच्छा खासा चला गया था। जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर के आप लोगों की और भी मस्त जो है और भी इंफॉर्मेशन दे सके, करेक्ट इंफॉर्मेशन और भी जितना पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपके सामने आरआरबी भुवनेश्वर। ध्यान रहे दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर में भी करंट में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 1,63,765। ध्यान रहे दोस्तों 1,63,765, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर आता होगा, जिसमें फर्स्ट का 3 डिजिट रजिस्ट्रेशन वहां का
बोर्ड का कोड होता है दोस्तों, बाकी का लास्ट देखते हैं तो वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना अभी करंट में चल रहा है। यहाँ पे भुवनेश्वर में सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 500 सीट आया हुआ है दोस्तों, 498 सीट है। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, 71.97 गया हुआ था, 65.76 गया था ओबीसी का दोस्तों, एससी का 53.09 एंड एसटी का 48.79 गया हुआ था प्रीवियस कट ऑफ। नेक्स्ट जोन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, नेक्स्ट जोन है आरआरबी चंडीगढ़। ध्यान रहे दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ में भी करंट में रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 691754 रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं दोस्तों, लगभग जो है यहाँ पे 7 लाख के करीब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखने को मिल सकता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इस डाटा को देखने के बाद आपको 5 से 10 हजार रजिस्ट्रेशन ज्यादा दिखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एट ए टाइम लास्ट समय अब आ गया है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन एट ए टाइम बहुत से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, कहीं कहीं साइट भी बिजी होने लगा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूँ, जितने स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें दोस्तों, फॉर्म फिलअप कर लें, अब वेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिलअप कर लें और कंटिन्यू प्रिपरेशन की ओर अग्रसर रहें, क्योंकि दोस्तों आपका मेन सफलता जो है सक्सेस आपका स्टडी ही दिला सकता है, आपका मेहनत ही दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन की ओर करते रहे, इस चैनल पर स्पेशली क्लासेस कंटिन्यू चलाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। ध्यान रहे यहाँ पे 691754 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सीट की बात करते हैं, 2483 यहाँ पे दोस्तों सीट आया हुआ है, 2483 सीट इस वर्ष आया हुआ है। पिछली वर्ष सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे दिखने को मिला था दोस्तों 82.27, क्योंकि सीट की संख्या कम था इसी वर्ष से यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ चला गया था। ओबीसी की बात करते 71.47, एससी का 71.87 एंड एसटी का 46.71 गया हुआ था पिछले वर्ष। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जोन है आपके सामने आरआरबी चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी चेन्नई के में दोस्तों यहाँ पे करंट में रजिस्ट्रेशन 645956 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करंट में चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं, 2694 लगभग 2700 वैकेंसी इस वर्ष आया हुआ है आरआरबी चेन्नई में, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6.5 लाख के करीब यहाँ पे चल रहे हैं। जनरल की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों 72.14 गया हुआ था कट ऑफ प्रीवियस ईयर में, एंड ओबीसी का 69 गया हुआ था, एससी का 57 एंड एसटी का 46 कट ऑफ वर्ष 2015 में दिखने को मिले थे। नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ, नेक्स्ट जोन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आरआरबी गुवाहाटी। ध्यान रहे दोस्तों, आरआरबी गुवाहाटी में इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 851 वैकेंसी आया है, एंड यहाँ पे दोस्तों 181,564, ध्यान रहे 181,564 रजिस्ट्रेशन अभी करंट में आरआरबी गुवाहाटी में चल रहे हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों गुवाहाटी में प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, 66.44 गया था, एंड ओबीसी का 57.1 गया था, एंड एसटी का 52 गया था, एंड एसटी का 52.91 प्रीवियस कट ऑफ गया हुआ था। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रहे आरआरबी जम्मू। दोस्तों आरआरबी जम्मू में आज का रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे 1,21,456 रजिस्ट्रेशन अभी करंट में चल रहे हैं। यहाँ पे सीट की बात करते हैं, 898 सीट यहाँ पे करंट में है दोस्तों इस वर्ष आया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन 1,21,456 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे 68.72 गया हुआ था दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ, ओबीसी का देख सकते हैं 50.88 गया हुआ था, एससी का 52.27 एंड एसटी का 38.05 गया हुआ था प्रीवियस कट ऑफ। दोस्तों बहुत ही कम यहां पे गया हुआ था इस वर्ष से, जो है यहां पे रजिस्ट्रेशन भी अच्छे हो खासे हो रहे हैं। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपके सामने आरआरबी कोलकाता। ध्यान रहे आरआरबी कोलकाता में दोस्तों इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 2949 वैकेंसी आया है, ध्यान रहे 2949 वैकेंसी इस वर्ष आया है दोस्तों, और अभी करंट में रजिस्ट्रेशन यहां पे चल रहे हैं 6,12,556। ध्यान रहे 6,12,556 रजिस्ट्रेशन आरआरबी कोलकाता में चल रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं तो प्रीवियस कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे 79.5 गया हुआ था जनरल का, ओबीसी का 71.53 एंड एससी का 57 एंड एसटी का 52.92 प्रीवियस कट ऑफ वर्ष 2015 में गया हुआ था। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपके सामने, ध्यान रहे
आरआरबी मुंबई। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपके सामने आरआरबी मुंबई। यहाँ पे दोस्तों इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 3665 वैकेंसी है, यानी सेकंड नंबर का वैकेंसी यहीं पे आया है दोस्तों। आरआरबी इलाहाबाद के बाद जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों, 3665 वैकेंसी है। यहाँ पे करंट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 715,442, ध्यान दीजिएगा 715,442 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल का 77 गया था, ओबीसी का 70, एनएससी का 63, एनएसटी का 54 यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ गया था। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें दिल से दोस्तों, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आरआरबी रांची नेक्स्ट जोन है दोस्तों, आरआरबी रांची यहाँ पे दोस्तों 1386 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, सॉरी 1386 यहाँ पे इस वर्ष वैकेंसी आया है दोस्तों। और करंट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 281,776, ध्यान रहे 281,776 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करंट में चल रहे हैं। एंड यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो रांची में जनरल का 63.75 गया था, ओबीसी का 57.29 गया था, एंड एससी का 45.48, एंड एसटी का 48.58 गया था। प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम गए थे दोस्तों, क्योंकि उस वर्ष सीट जो है एक ऑन एन एवरेज सही सीट था। इस वर्ष भी सीट दोस्तों प्रीवियस से बहुत ज्यादा सीट है, यहाँ पे भी कट ऑफ जो है इस वर्ष भी अच्छे खासे दिखने को मिल सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ भी अच्छे यहाँ पे होने लगे हैं, 281 लगभग 3 लाख के अप्रोक्स यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन आपको दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जोन है आपके सामने आरआरबी तिरुवनंतपुरम, ध्यान रहे आरआरबी तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे दोस्तों 1,96,432 रजिस्ट्रेशन करंट में चल रहे हैं। और यहाँ पे इस वर्ष वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, 897 वैकेंसी इस वर्ष आया है। और यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ बहुत ही हाई चला गया था, क्योंकि सीट की संख्या बहुत ही कम प्रीवियस वर्ष 2015 में आया था, इसीलिए दोस्तों जनरल का देख सकते हैं 79.75 चला गया था, ओबीसी का 75 गया था दोस्तों, एनएससी का 56 गया था, एनएसटी का 36.45 प्रीवियस कट ऑफ वर्ष 2015 में गया था, क्योंकि दोस्तों सीट की संख्या बहुत ही कम था। इस वर्ष सीट की संख्या अच्छा खासा है और फॉर्म भी उसी हिसाब से अच्छा चला गया है दोस्तों। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, आज तक इतना ही डाटा हम मिल पाया था दोस्तों, जितना मिला था सभी का एनालिसिस कर दिया गया है। जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो नए स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे जितने भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। और दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस चैनल पे फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।